इससे खतरा है, उससे खतरा है, और फिर दूसरा एजुकेशन की कमी है, दूसरा उससे भी बड़ी बात लोगों ने वोट की वैल्यू नहीं समझी, वोट क्या होता है, कैसे मिला, क्यों मिला, क्या होगा, इसकी प्रक्रिया को लोगों को नहीं पता। अभी लोगों को पता है कि वोट एक एक दिन आएगा, जैसे जयंती आती है ऐसे एक दिन आएगा हमें वोट डालने जाना, अगर उनको ये पता लग जाए कि वोट से क्या निर्माण होगा, वोट का क्या परिणाम होगा, वोट की सुरक्षा कैसे होगी, वोट से क्या बदलाव होगा, इस दिन ये बहुजन समाज के लोग इस बात को समझ जाएंगे तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ परिवर्तन। लेकिन बहुजन समाज के जो लोग हैं वो ही उनको पहला फुसला कर वो दूसरी ओर ले जाते हैं। आप मैं आपसे ही नहीं कह रहा, मैं सिर्फ और तमाम जो बहुजन नेता है मैं उनसे भी कह रहा हूँ, वो लोग भी जागरूक करते हैं, लेकिन जब चुनाव का समय आ जाता है तो जो चुनिंदा लोग होते हैं दूसरे, तो वो लोग खींच कर जो है अपनी ओर ले जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, अभी उन्होंने वोट को एक जिम्मेदारी के तौर पर नहीं दिया, वोट कितनी जिम्मेदारी देना है, मैंने बताया ना अपनी लाइफ में काशीराम साहब कह रहे हैं, जैसे बहन बेटी की रक्षा होती है ऐसे वोट की रक्षा करनी है, और वोट को किसी को बेचना नहीं है, जैसे उन्होंने कहा वोट का अधिकार आपको बिकने के लिए नहीं दिया, आपको गुलामी से मुक्ति के लिए दिया, जिसको जातिवाद से परेशानी जो महसूस करता है, हम आग मतलब बिल्ली को देखते कबूतर रेत में सब दे दें और ये सोचे कि बिल्ली को मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ, गलती बिल्ली की कबूतर की, अगर हम ये खुद सोच लें चुनाव के समय कि नहीं भाई हम पे तो कोई शोषण नहीं होता, हमें तो जाति के लिए अपमानित नहीं किया जाता, जाति आधारित काम को हमें जोड़ के और हमें जो है तमाम तरह की चीज़ों से नकारा नहीं जाता, हमें इस मंदिर में घोड़ी पर चढ़ने तमाम तरह चीज़ों से जो है जो प्रताड़ित किया जाता है ये भूल जाएँ, तो वो किसी को वोट दे देंगे, दुश्मन को वोट देने का मतलब समझते हैं क्या होता है, दुश्मन ताकतवर होगा आपका इलाज करेगा, हमारे लोग दुश्मन को वोट देते हैं अपना इलाज करवाते हैं। अच्छा, आपने सफाई कर्मचारी की बात करी, एफजीदार प्रथा हो गया या कॉन्ट्रैक्ट हो गया या डेली वेजर हो गया, इनको पक्का नहीं किया जाता, परमानेंट नहीं किया जाता, इसका कारण आपने मंच पे भी बोला कि इसका कारण क्या है कि आपको 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह जब मिलेगी तो आप क्या करेंगे, फिर आप अपने बच्चों को सफाई कर्मचारी नहीं रखेंगे, फिर आप उनको पढ़ाएंगे प्राइमरी स्कूल की जगह जहाँ इंग्लिश मीडियम में बेहतर शिक्षा होती है, क्योंकि हर पीढ़ी अपनी पीढ़ी से अपनी पीढ़ी को आगे ले जाने का प्रयास करती है, फिर दूसरा आपके पेट की भूख समाप्त हो जाएगी ना तो आप सुविधाओं की तरफ भी बढ़ेंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे, आप जो है एसी लगाएंगे, आप अच्छा मकान बनाएंगे, तो आपका सामाजिक जो स्तर है वो भी मजबूत होगा, दूसरा पैसे वालों का सम्मान भी होता है, पैसे वाला चोर हो, फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, पैसे वाला जो है रेपिस्ट हो, उसका भी सम्मान होता है, आप देखो कितने MP MLA ऐसे जो रेपिस्ट हैं उनका भी सम्मान करते लोग, उनको माला पहनाते हैं, तो पैसे वालों की इज्जत होती है, तो मैं समझता हूँ कि जब जैसा आपने भी बताया हम सब लोग जानते हैं कि जब ये ठेकेदारी भत्ता खत्म होंगे सरकारी सिस्टम में लोगों, क्योंकि बाबा साहब ने लिखा ना कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो दैनिक कार्य है वो कभी ठेकेदारी पर नहीं होगा, अगर 50,000 की तनख्वाह सफाई कर्मचारी को मिलेगी तो क्या वो अपने बच्चे को सफाई कर्मचारी बनाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनाएगा, क्या वो उसे अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए किसी के हाथ चलाना पड़ेगा, या उसे आज सोचे 8,000 रुपये तनख्वाह पर काम करता हमारा आदमी, कोरोना जैसी बीमारी आई घर में माँ बीमार हो गए 50,000 रुपये का बिल आए कहाँ से देगा, उधार लेगा, सारी वो उधार को साथ रहेगा, उसके लिए सामाजिक अपमान रहेगा, इसलिए सिस्टम ने ये समझ लिया कि जब वंचित वर्ग के लोग आगे बढ़ने लगे कि इनको रोको, उसका तरीका ये था इसको निजीकरण की तरफ ले जाओ, क्योंकि सरकारी जिम्मेदारी सरकारी जो जॉब ना गारंटी होती है, अगर आपको कुछ हो गया तो मृतक आश्रित में आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, उसको मौका मिल जाएगा, तो यानी कि आपकी गारंटी थी, इसीलिए ये मनुवादी तंत्र आरएसएस भाजपा के लोग सारे सरकारी सिस्टम को प्राइवेट कर रहे हैं कि आरक्षण व्यवस्था खत्म हो जाए और ये गारंटी भी खत्म हो जाए, फिर ये गुलाम बन जाए जो हम दें उसी पर आधारित। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद क्या करेंगे सबसे पहले, अगर मान लो ASP पार्टी अगर नगर निगम में आती है, दिल्ली नगर निगम में आती है या उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तराखंड में आती है, तो सबसे पहले आप क्या कार्य करेंगे? बहुत अच्छी बात आपने की, लेकिन मैं आज आपको मुझे रोकूं, मैं आपको रोकूं, जो आपने कहा है ना, क्या अकेला चंद्रशेखर इस पार्टी में है, हमारे लीडर खड़े हैं, अगर आप नहीं नकारेंगे, हिमांशु वाल्मीकि जी जो यहाँ लीड कर रहे हैं महेश परिवार जी, उन्होंने एक एजेंडा बनाया, मैं क्या करूँगा ये अलग बात है, लेकिन हमारे लीडर्स क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या प्रोग्रामिंग की है, अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो पता कैसे लगेगा? देखिए, चंद्रशेखर पूरे संगठन का नाम है, हाँ, लेकिन हम पे लीडर्स हैं, वो लीडर्स जो अपने दम पे इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये सवाल अगर आप हिमांशु जी से करेंगे तो वो बताएंगे कि उनका क्या प्लान है और वो क्या करके दिखाएंगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ मुझे दिखाएंगे कि मैं ही हूँ
तो ये लोग छिप जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है कि हम व्यक्ति पूजा करते हैं, हम संगठन की वैल्यू नहीं समझते, हम संगठन की वैल्यू समझते हैं। जितना मैं जिम्मेदार हूँ संगठन का, उतना हिमांशु वाले भी हमारे नेता हैं। अब आप दिल्ली से जुड़ा हुआ सवाल हमारे नेता से करें और उनके जवाब में मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनकी हर एक बात की जिम्मेदारी मैं लूँ। तो हिमांशु जी आप बताइए, सबसे पहले दिल्ली में, क्योंकि पहले जो सरकार आई है आपने आपने देखा भी है, पहले जो सरकार आई है उसने बड़े बड़े वादे किए, चुनाव चिन्ह भी ले लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई शुरुआत जो है वो नहीं की है कि इनको परमानेंट किया जाए सफाई कर्मचारी। सरकार पहले आई, सबसे पहले उन्होंने कहा सफाई कर्मचारियों को, उन्होंने कहा जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं जिस भी विभाग में, बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो DTC हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, डॉक्टर हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल्स हो, स्कूल्स हो, बहुत बड़ी तादाद से हमारे लोग जो हैं उन जगहों पर लगा करते थे, नौकरियाँ उन्हें मिला करती थी। मगर सरकार ने बीते 7 सालों में एक नौकरियाँ नहीं निकाली। सरकार भी जो BJP का एजेंडा है उसी आधार पर जो है उसी एजेंडे पर चल रही है। आरक्षण मैं इन्हें बता रहा हूँ, सबसे पहले सरकार आई, जैसे ही हमारे गाँव में मौका देते हैं लोग और मौका देंगे भी, अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मौका देंगे तो सबसे पहले जो है जो 30 साल की बीमारी है 30 दिन के अंदर उसको खत्म करने का काम करेंगे। उनके रुपए में जितने भी अलाउंस हैं वो सब करेंगे। उनको जो है वर्दी के पैसे नहीं मिलते, उनके जो है जो अभी तक कोरोना में लोग मरे हैं, एक शहीद हुए हैं 1-1 करोड़ के, उनको वो रह रहे हैं, उनको वो देंगे। और उनके जो एरियल रुके हुए हैं जिसके कारण अगर वो एरियल आज उन्हें हमारे लोगों को सही समय पर मिल जाए तो लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, अपने बच्चों की शादी कर सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया। मान्य एरियल की बात कर रहे हैं, रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला, 45 दिन के अंदर जो है रिटायरमेंट का पैसा, पेंशन बंद दी जाएगी। तीन चार सालों से जो है अभी तक रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला, पेंशन नहीं बन रही है। तो सरकार को क्या पता, उन लोगों को क्या पता जिन लोगों के यहाँ लाखों रुपए महीने का आ रहा है, उन लोगों को क्या पता कि कैसे जो है परिवार चल रहा होगा। एक तो एक इतनी अनहोनी घटना हुई दिल्ली में और इस देश के अंदर संविधान का अपमान हुआ कि एक आदमी कच्चा ही रिटायर्ड हो गया, समझ गए। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। वैसे केजरीवाल सरकार जो है संविधान की बात करती है मगर संविधान की वो बातें मानती नहीं है। संविधान कहता है समान कार्य समान वेतन, जो कार्य कभी खत्म नहीं होगा, जो कार्य कभी खत्म नहीं हो सकता उसको कभी भी प्राइवेटाइजेशन में नहीं किया जाएगा। और प्राइवेटाइजेशन सांप से ज़्यादा जहरीला है, अगर समझे, सांप ढसेगा तो एक आदमी मरेगा और प्राइवेटाइजेशन ढसेगा तो उसकी पीढ़ियाँ मरेगी, समझिए। अगर आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है ना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी भी मदद करता है, अपने परिवार की भी मदद करता है, आने वाली तीसरी पीढ़ी का भी करके जाता है, समझिए, और अड़ोसी पड़ोसी और रिश्तेदारों की भी मदद करता है। तो तकरीबन 10 लोगों को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय चलाता है। मगर प्राइवेटाइजेशन ऐसा है 12,000 रुपये में आज दिल्ली जैसे शहरों में आज आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, जिसके कारण जो है वो आगे बढ़ सकता है, समझिए। एक बार डेंगू कोरोना भी हो जाए ना तो तुम जानते हो 50,000 रुपये रोज तक के हॉस्पिटल हैं, समझिए। अभाव के कारण दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार तमाम वादे करती है, और प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटलों में जाके देख लो किसी में भी जो है तुम्हें, जब नेता बीमार होते हैं, दिल्ली सरकार के नेता बीमार होते हैं, काउंसलर बीमार होते हैं, MLA MP बीमार होते हैं, कोई नहीं जाता वहाँ पे, वो जाते हैं अपोलो, वो जाते हैं मैक्स, समझिए। गरीब तो वहाँ कहाँ सड़ता है, वहीं सड़ता है, जिसको इलाज नहीं मिलता, जिसके इलाज समय पे इलाज ना मिलने के कारण कम से कम 85% लोग मैं ऐसे जानता हूँ जिसके समय पे इलाज ना मिलने के कारण मृत्यु। चलो गरीबों को भी कई बार जान पहचान की जरूरत पड़ती है कि उसमें उनको भर्ती होना है। चंद्रशेखर भाई, जागो समाज चैनल के लिए क्या कहना? ये जो काम है ना, ये आंदोलन जो हम कर रहे हैं, वैसे आप हम जनता के माध्यम से जा के सड़कों पर कर रहे हैं, आप भी सड़कों पर मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक अच्छा काम है और करना चाहिए। मैं तो सब लोगों से अपील करूँगा कि हमारे जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ जाएं और वास्तविकता को पहचाने जाने सच से अवगत हों तो शायद उनको पता लग जाए कि देश में चल क्या है। जो व्यवस्था ठेकेदारी की वजह से सफाई कर्मचारियों की, वो देश के हर डिपार्टमेंट में हो जाए बड़े पैमाने पर लागू हो, हम लेबर क्लास बन के रह जाएंगे और हमें एक एक अधिकार के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा। अंततः हमारे जीव हिस्से में सिर्फ मौत आएगी। हमें जागना चाहिए, जागो चैनल जगाने के लिए लोग चाहते हैं। और एक और मेरी ये अपील भी थी और हमारा मैंने ये स्टेटमेंट भी दिया, ये रिकॉर्डेड है कि जब हम इस कार्य को हमें ताकत मिलेगी तो हम प्राइवेटाइजेशन के तौर पर ठेकेदारी व्यवस्था पे जो काम चल रहा है सफाई कर्मचारियों का वो बंदी कर देंगे। हम इनको सबको पक्के देंगे परमानेंट, जिस तरह बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनकी ये हमारी पहली प्रायोरिटी ना, इसी तरह से हम भी कर देंगे प्राइवेटाइजेशन की। तो अरे कहेंगे नहीं कर देंगे, करेंगे। जब आप पहली बार कहीं मौका मिलेगा, UP में हम प्रयास कर रहे हैं तो पहले ही देंगे। जिस दिन हम सरकार में आएंगे पूर्ण, पहले दिन पहली कैबिनेट में इतने
सफाई कर्मचारी उनको नियमित किया जाएगा। यहाँ पक्की नौकरी, वहीं पक्की नौकरी, पक्की नौकरी, चाहे उसके लिए बजट कहीं से लेके आना पड़े तो बजट आ जाएगा। हम कुंभ में पैसा नहीं लगाएंगे, हम जो है ना कावड़ में फूल वर्षा पैसा नहीं लगाएंगे। आप परिवार उनकी जीवन रक्षा के लिए हम सुविधाएं तैयार करेंगे, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए इलाज के, अच्छा इलाज ना मिलने का किसी की जान ना चलेगी। कोई गरीब अपने सपने ना तोड़ दे कि पढ़ाई के पैसे नहीं, कोई रोजगार के ना मिलने कारण कोई सुसाइड ना करे, कोई कोई जो है ना कोई किसी बहन की परसों पीड़ा जो है ना वो सड़क पे ना, ये तमाम तरह के जो बुनियादी मुद्दे, किसी बहन के साथ रेप, अन्याय, अत्याचार ना, पुलिस व्यवस्था, सब चीज़ों पे काम करेंगे। लेकिन कहा ना बाबा साहब पॉलिटिक्स का मास्टर, हम उसी सत्ता की चाबी को अपने खेमे में लाना चाहते हैं जो दुश्मन के खेमे में, जिसके जरिए वो हमारा विनाश है, अपने समाज के विकास के लिए, बहुजन समाज के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए। क्योंकि देश पत्थरों से थोड़ा बनता है, दीवारों से थोड़ा बनता है, देश बनता है लोगों से, दिल जोड़ने से। इस देश का 85% तबका रोटी रोटी के लिए मोहताज है, 15% लोग ये कहते हैं कि भाई देश तरक्की के रास्ते पर है। तो क्या अगर मैं शरीर का नीचे का हिस्सा कमज़ोर कर दूं और ये ऊपर के हिस्से को मजबूत रखूं और कहूं कि मेरा सिर्फ ताकतवर, तो कौन कैसे साबित हो जाएगा? मेरे बोलने में हो सकता है लेकिन वास्तविकता में तो नहीं हो सकता। पूरा शरीर मजबूत होगा तभी तो शरीर जो है ना परफेक्ट होगा। तो यहाँ बहुजन समाज के लोग शरीर से कमज़ोर किया जा रहा है और हम इस बात को समझ रहे हैं। इस RSS भाजपा के लोगों को और इनके जो एजेंट हैं, जो छिपे हुए हरे घास में हरे सांप जैसे, जो बाबा साहब की बात तो करते हैं, बाबा साहब रास्ते में चलते, उन सबको भी जल्दी लोकतांत्रिक तरीके से जवाब। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, जो युवा आज RSS जिनका आपने नाम लिया, हिंदूवादी संस्थाएं या मुसलमान जो संस्थाएं हैं, वो आजकल एक एजेंडा चला रखा है कि युवाओं को आपस में भिड़ाना है, दंगे कराना, क्योंकि मुसलमान जो है वो हिंदुओं का झंडा फेंक रहे हैं मंदिरों का, और हिंदू जो है वो मुसलमानों के झंडे फेंक रहे हैं और चंद बिकाऊ लोग। तो ये इस पर युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? चंद बिकाऊ लोग सब जगह, जिनका ना कोई धर्म है ना कोई मजहब। एक और बात, जिनका कम वोट है वो अपनी राजनीतिक सत्ता में बने रहने के लिए कुछ तो साजिश और षड्यंत्र करेंगे, समझिए लोकतंत्र। जिनका वोट होगा उनका राज होगा। 85% बहुजन समाज के लोग जिनके पास वोट है वो सत्ता में नहीं है, 15% जो सर्जन वाले हैं वो लोग सत्ता में हैं, तो वो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ तो करेंगे ना। तो फूट डालो, राज करो, फिर धंधे कराओ, धार्मिक भावनाएं भड़काओ, फिर बंटवारा करो, कुछ तो करेंगे ना, षड्यंत्र साजिश करेंगे, वही कर रहे हैं। और बिकाऊ लोग, मैंने कहा ना, जो लोग कत्ल करते हैं पैसों पर, क्या उनको नहीं पता उनको सजा मिलेगी? फिर भी क्यों करते हैं ना? क्योंकि लड़ाई, अभी तो लोग रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके घर में रोटी नहीं, वो कत्ल भी करते हैं, चोरी भी करते हैं। कोई पैदाइशी चोर नहीं होता है, कोई पैदाइशी क्रिमिनल नहीं होता, व्यवस्था उसको, सिस्टम उसको बना देता है। मैं समझो कि आप क्रिमिनल्स का रिकॉर्ड देखोगे तो आपको पता है लोगों ने इसको प्रोफेशनली नहीं चुना होगा, उनके आगे मजबूरी है। किसी निर्दोष को जेल भेजा गया तो उसने कहा कि जब जेल जाना है तो फिर कुछ करते जाते हैं। मैं समझता हूँ सिस्टम में चेंज भी हम लोग प्रयास करें। चंद्रशेखर भाई, आपको कैसे पता लग जाता है कि पैंट के नीचे कोई निकर पहन के आपके बीच में घूम रहा हो? ये विचार और जो है ना उसके शब्दावली बता दें। मैं समझता हूँ कि लड़ाई तो विचारों की, एक तरफ अम्बेडकर वाद, एक तरफ राम वाद, लड़ाई सीधी। पैंट के नीचे किसे कच्चा किसे क्या है, ये शब्दों की गरिमा का ध्यान रखता मैं इससे कुछ नहीं कहूँगा। और मैं समझता हूँ कि कौन पहनेगा नहीं पहनेगा ये बड़ी बात है, कौन किस कलर का पहनता ये भी बड़ी बात है। अब हम हमारा अब देखो, खून तो लाल है लेकिन सच तो ये है कि रंग तो उसका नीला ही है, ये नीला रंग। लेकिन जहाँ को समाज चैनल यही चाहेगा कि चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी ये बहके ना, और जो मूवमेंट जो आज तक चल रहा है क्या वो चलाते रहे। आपको शायद इससे रोजगार मिलता हो, हमने ये काम रोजगार के लिए सर हमने भी नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ विश्वास कीजिए, जो मैं कह रहा हूँ उसको अपने ऊपर मत लिखो। एक मीडिया वो है जो वहाँ बड़े बड़े ऑफिस में बैठ के खबर दिखाती है, एक मीडिया ये है जो सड़कों पर घूमने में खबर दिखाता है, एक नेता वो है जो बैठ के ट्वीट करके राजनीति करता है, सुविधा की राजनीति करता है, एक नेता वो है सड़कों पर रहकर काम करता। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था, एक विधायक 4-5 गनर रखता है, अपनी जान की परवाह करता, हम लोग भी यहाँ हजारों हजारों लोगों की भीड़ में रहते हैं, उनको जान की परवाह नहीं होगी, इससे भी परवाह करेंगे। हम आंदोलन के लिए जन्मे हैं, हमारे पिताजी ने हमारा नाम बचपन में जब छोटे तब चंद्रशेखर आजाद रखा, ऐसा नहीं कि बड़ा होने का 20 साल के बाद कि अब इसका नाम चंद्रशेखर, हमारे बड़े भाई का नाम भरत सिंह रखा, क्योंकि वो सपने थे देश को लेकर। हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम चरित्र से जुड़े हैं, हम चित्र नहीं पकड़ते। हम माननीय दीनाबाना वाल्मीकि माननीय और काशीराम साहब के चेले हैं, हम उन पर उनकी विरासत नहीं है, उनके सिद्धांत। तो अगर आप ये बात मेरे ऊपर है तो ये तो आप पे भी लागू होती है,
कल आप जो है किसी मनुवादी मीडिया के चक्कर में आके काम बंद मत कर देना। तो सबका अपना अपना चरित्र, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करें, और मैं ये चाहता हूँ जब तक ईमानदार से जो काम करें जनता उसका साथ दे। ऐसा ना करें कि जब बाबा साहब चले जाएं तो कहें कि 10 साल बाबा साहब जी जाते तो बहुत कुछ होता, 10 साल काशीराम साहब जी जाते तो बहुत कुछ होता। जब काशीराम साहब लड़ रहे थे तब तो साथ नहीं दिया, बाबा साहब लड़ रहे थे तब तो काले झंडा दिखाए पत्थर मारे। हमारे लोग सीधे सच्चे लोग हैं, भोले लोग हैं, इन भोले लोगों को उनमें राजनीतिक चेतना सामाजिक चेतना जागरूक करनी है। चलिए एक फोटो के साथ हम धन्यवाद करेंगे भाई के साथ।